हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ माश की दाल पालक। माश की दाल पालक में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं बताती हूँ आपको। माश इसमें हमने माश की दाल ली है हाफ के जी, 500 ग्राम, आधा किलो दाल है इसके अंदर, और ये एक टेबलस्पून लहसुन, गार्लिक का एक टेबलस्पून, खाली गार्लिक है इसमें, और नमक है 1 टेबलस्पून। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। बाकी ये चिल्ली है, ये मेरी 1 टीस्पून है, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या 1 चिल्ली, मेरी 1 टेबलस्पून चिल्ली, टीस्पून, 1 टीस्पून चिल्ली मिर्चें हैं इसमें, और एक बंच है पालक का। लेकिन ये जैसे मेरे पास तो फ्रीज़ है, मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, फ्रीज़ पालक है, तो ये मैंने एक बंच निकाल लिया है। मतलब अगर आप एक बॉल आधा किलो में इतना बड़ा डालेंगे ये भी सही है। एक प्याज है मीडियम साइज़ की, कटिंग हुई भी भगार के लिए। हरी मिर्चें हैं गार्निश के लिए, ये भी भगार में जाएंगी। दो, एक साबुत मिर्च आप बड़ी ले लें, 2 ले लें सब। और ये अदरक है, अदरक भी भगार में जाएगी, थोड़ी सी हम इसमें मिलाएंगे, थोड़ी भगार में जाएगी। और ऑयल जो है ये भी आप अपने हिसाब से डाल दें, मैं अपने सर्विंग स्पून डालती हूँ ये वाले, इसमें 3 चमचे डालेंगे भगार के टाइम। और पानी मैंने गरम, वैसे तो गरम पानी में इसको, आधा पानी गरम हो जाता है तो डालते हैं दाल को, मैंने गरम पानी कर चुकी हूँ मैं केटल के अंदर, तो अब ये है कि मैं इसको पानी डालती हूँ फिर इसमें दाल डाल के आपको दिखाती हूँ। गरम पानी मेरा, पानी आपने इसमें ज़्यादा डालना है, मतलब आधा किलो में 3 गिलास डाल, 3-4 गिलास डाल दें, रख दें आप, इसी में आपको पकाना है। और अगर आप डालें गर्म पानी में, मैं तो गर्म पानी डाल रही हूँ, आप अगर डालें तो आप इसको पानी को पहले गर्म कर लें, एक उबाला आ जाए पानी में, तो फिर आप अपने, या हल्का नीम गर्म भी, मतलब सही गर्म हो जाए पानी तो आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, ये मेरी केटल का पानी चला गया इसके अंदर फुल। अब इसमें मैं अपने स्पाइसेस डालती हूँ, इसमें जाएगा ये 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून स्पिनिच चला गया थोड़ा सा, बाकी का बाद में डालेंगे। ठीक है, अब इसको हम मैक्सिमम 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पे आप रख दें, क्योंकि ये भीगी हुई दाल है तो जल्दी गल जाएगी, तो 15 मिनट के लिए आप इसको रख दें। 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि दाल कितनी गल गई है, मतलब आधी से ये ज़रा, आधी ही से मतलब ना गली, मतलब आधी भी अगर गल गई है ना ये, तो आधी गलने के बाद बाकी जो मेरा पालक है ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अभी इसको आधी गलाते हैं दाल को, बाकी की फिर हम इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं। मैंने ऐसा करती हूँ कि दाल तो मैंने रख दी है ना 15 मिनट के लिए, दाल जब तक पक रही है हम अपना भगार बना लेते हैं, तो भगार में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पानी का छींटा चला गया है इसमें, अब ऑयल डालते हैं दाल में हम। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, ये मेरी प्याज है भगार के अंदर, और अदरक है, और मिर्चें हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें हैं, और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें गार्निश के लिए हैं, सिर्फ ये प्याज हमारी इसमें चली जाएगी। इसे आप असली घी में भी कर सकते हैं, भगार लगा सकते हैं, मक्खन में भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप किसको उसमें डालें, दाल में कौन सा घी डालना चाहते हैं।
इसको इंतजार करती हूँ मैं, जब तक ये फ्राई होती है मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राई कर प्याज ही प्याज देखें हमारी ना, ये प्याज है ये गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें अदरक आधी डाल रही हूँ, ये आधी गार्निश के लिए रखने वाली हूँ। अब इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। और जो मेरी दो मिर्चें हैं जो मैं इसमें, इसका भगा तैयार हो गया है। अब हमारी दाल जब तक हल्की आंच पे है इसको मैं 15 मिनट बाद ही देखती हूँ। भगा तैयार हो गया है, जैसे दाल हमारी होगी मैं इसका भगा लगा। आगे मेरी दाल जो है ना गल गई है, ये देखें आधी गल गई है। अब आपको इसको करना है कि ना पालक जो है मेरा हमारा, अगर आप शुरू में थोड़ा ये जो पालक मैंने डाला है या ना भी डालें तो कोई बात नहीं है, मैंने तो डाल दिया फ्लेवर के लिए। लेकिन वैसे भी आप जब आधी के बाद डालेंगे सारा पालक, बेशक पहले शुरू में वैसे चढ़ा दें, बाद में पालक डाल सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। बीच में पालक डाल दें, जैसे अभी इसको डाल रही है, ये आधी गलने के बाद पालक डाल दिया जी हमने। अब इसको फिर हम जैसे अभी 10 मिनट पकी है तो ये ऐसी हो गई है क्योंकि भीगी हुई भी है। अब इसको फिर 10-15 मिनट आप इसको पकाएं, जितनी अच्छी पकी हुई होगी सारी पालक आप इसमें मेल्ट हो जाएगी और दाल आपको क्रीमी फ्लेवर आएगा, मतलब जब ये पक जाएगी ना खाने में। तो इसको मैं रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ 15 मिनट बाद। लेकिन ये दाल हो गई है हमारी ना, ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, देखो काफ़ी ना। इसको ज़रा सा मैं चमचे मार के इसे 15 मैंने मिनट जो है ना हल्की आंच पे लो फ्लेम पे पकती रही है, उसके बाद ये देखें 10 मिनट पहले पकती रही है और भीगी हुई ये थी तो इस वजह से जल्दी पक गई। और ये देखें ऐसे थिकनेस आनी चाहिए इसकी, मैं ज़रा सा चमचे से इसको ऐसे मैश कर लें ताकि उसमें वो जब मैश हो जाएगी तो आपको क्रीमी फ्लेवर आएगा ना जब खाने में। कोई साबुत होगी कोई मैश हुई भी होगी। ठीक है, अब ये रेडी हो गई है दाल हमारी। इसका जो भगार बनाया था मैंने जब दाल चढ़ाई थी तो भगार बनाया था, ये भगार भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं प्याज निकाल लूँगी गार्निश के लिए, बाकी सारी मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने गार्निश के लिए थोड़ी सी प्याज रख ली है, बाकी डाल रही है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखें जी, ये देखें आपकी जो दाल है तैयार हो गई है। इसे डिश आउट करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये दाल तैयार हो गई है, माश की दाल। मैंने इस पर भगार डाल दिया है और बाद में जो मैंने ऑनियन बाद में पहले निकाली थी इसमें से फ्राई ऑनियन, वो भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी है। थोड़ी सी जिंजर डाल दें आप, हरी मिर्चें हैं, और इसको मैं ऊपर से आप इस पर मक्खन डालें या असली घी डालें और इसे बटर के साथ गार्निश करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये रेडी आपकी डिश हो गई है। और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।